नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। इन दिनों देश में सबसे ज्यादा एक ही चेहरा सुर्खियों में है, वह है योगी आदित्यनाथ। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, योगी आदित्यनाथ की शुरुआत अच्छी है, लेकिन लगता नहीं कि आने वाले समय में उनके लिए बहुत सी चुनौतियां होंगी। वो पार्टी के भीतर भी हो सकती हैं और बाहर भी। बहुत अहम सवाल है ये, क्योंकि जिस तरह की महाविजय भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हासिल हुई है, और उस महाविजय पर एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला कि योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद विधानसभा में उम्मीदवार नहीं थे, जो कि सांसद हैं गोरखपुर से, एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, लेकिन किसी ने उनको मुख्यधारा में या ये नहीं माना था कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में इतनी तेजी से आगे निकल जाएंगे, जबकि सारे दूसरे नाम चल रहे थे। और उसके बाद अगर वो इस कुर्सी पर पहुंचे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर निगाह जमाए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की विजय के साथ अपनी सफलता को जोड़ रहे थे, वो लोग अब ये कोशिश करेंगे कि कहां योगी आदित्यनाथ चूके और कहां उन्हें नीचे दिखाने का मौका मिले। क्योंकि वैसे भी उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में एक बहुत मुश्किल राज्य है। उत्तर प्रदेश की जिस तरह की सामाजिक, भौगोलिक और जातिगत परिस्थितियां हैं, उसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का शासन संभालना बहुत आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए जितनी बड़ी चुनौती है, उतना ही बड़ा अवसर भी है। हमें याद करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनके पास भी कोई चुनावी या प्रशासनिक अनुभव नहीं था। वो संघ के जरूर कार्यकर्ता थे, संघ का बहुत काम किया था, और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की नेटवर्किंग के लिए उनको जाना जा रहा था। लेकिन अचानक उनको मुख्यमंत्री बनाकर जब वहां भेजा गया, उसके बाद उनकी यात्रा शुरू हुई। योगी आदित्यनाथ भी 5 बार के सांसद हैं, लेकिन उनके पास उस तरह का प्रशासनिक अनुभव नहीं है जो मुख्यमंत्री पद के लिए होना चाहिए। इसलिए आपने ठीक कहा है कि यहां से ये सिलसिला शुरू हो रहा है, जहां से ये उनके लिए बड़ी चुनौती बनेगी, खतरा बनेगी, और ये केवल बड़ा शिगुफा बन के रह जाएगा, या वो इन कांटों भरे ताज को पहनकर और इस पथरीली राह पर चलकर सफलता की ओर अग्रसर होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ खुद योगी आदित्यनाथ पर ही निर्भर है। तो जयदीप जी, योगी आदित्यनाथ को किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि जिस तरह के फैसले वो ले रहे हैं, वो कई मामलों में लोक लुभावन रख सकते हैं। कई बार ये लग सकता है कि आपने ये सारी बातें की है तो करके देखे, जैसे पूछल खानों को बंद करने की बात लगातार चुनावी भाषणों में हुई, खुद भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वो कहते रहे, मोदी जी ने भी कुछ सभाओं में कही, योगी आदित्यनाथ तो कहते ही रहे। अब उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन पता लगा कि उसमें कितनी व्यावहारिक दिक्कतें हैं। खानपान की दुकानें बंद हुई, जो लोगों का रोजगार चला गया, जिन लोगों के बाकायदा लाइसेंस थे कुछ, उन दुकानों के बंद होने की बात सामने आई। कुछ जगह ये भी बात सामने आई कि भाई लाइसेंस तो उनके पास था लेकिन रिन्यू नहीं हो पाया, तो वर्तमान में उनके पास लाइसेंस नहीं, और गलती नगर निगम की कि उनको नया लाइसेंस नहीं दिया। तो अब वो सारा उनके पास दल मिलने गया उन लोगों का, और उनके तो जब आप निर्णायक कुर्सी पर बैठे होते हैं तो आपको बहुत सारी व्यावहारिक चीजों को देखते हुए कदम उठाना पड़ता है। दूसरी उनको दिक्कत ये आ सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक दड़ा है जो मानता है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ऐसा उग्र चेहरा, ऐसा कट्टर चेहरा सामने नहीं करना चाहिए था। हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले उनकी जो छवि थी उसको वो तुरंत बदल दें। इसीलिए उन्होंने पहले दिन से सबका साथ सबका विकास का नारा देने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश की पूरी जो जनता है उसके मुख्यमंत्री हैं, केवल गोरखपुर के या केवल हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है। इसको आप जोड़कर देखिए कि वो नरेंद्र मोदी जो लोकसभा के चुनावों के दौरान लगातार उग्र भाषण दे रहे थे, लगातार विपक्ष पर तीखे हमले कर रहे थे, संसद की देहरी चढ़ते ही उन्होंने देहरी पर माथा टेका और कहा कि ये देश सबके लिए है, पहले की सरकारों ने भी विकास किया है और मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, मैं पूरे देश की 120 करोड़ आवाम का प्रधानमंत्री हूं। वैसे ही जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो समूचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित ही हमें वही उनका जो विधानसभा में उत्तर प्रदेश की दिया गया पहला भाषण है वो भी उल्लेखनीय है, जहां उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात की। जिस तरह के प्रशासनिक फैसले उन्होंने किए हैं कि जो सारे के सारे विधायक हैं और मंत्री हैं वो सरकारी आवासों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सादगी से रहेंगे, सरकारी खर्चे से उसको आलीशान बनाने में फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, सरकारी ठेके लेने या ट्रांसफर करवाने में, पोस्टिंग करवाने में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे,
सुबह 9:30 बजे के आसपास दफ्तर में उपस्थित रहेंगे। अभी खबर आई है कि वो हफ्ते में 2 दिन आम जनता से मिलने की कोशिश करेंगे। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं जिससे वो अपनी प्रशासनिक दक्षता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी शुरुआत के जो 6 महीने हैं उसको जो हम हनीमून पीरियड कहते हैं, जिसमें आपको ये छूट दी जाती है कि आप नए हैं, आप बहुत तेजी से बहुत कुछ करना चाहते हैं और कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं, तो उन पर निगाह रखी जाएगी, लेकिन उसकी कटु आलोचना तब तक नहीं होगी जब तक एक थोड़ा सा समय नहीं बीत जाता। 6 महीने से साल भर के समय के बाद लगातार विवेचना होगी, आकलन होगा, और जो विरोधी हैं योगी आदित्यनाथ के, जिनको उनकी सफलता पचेगी नहीं, वो उन पर हमले करेंगे। वो विपक्ष जो हाशिए पर चला गया है, वो समाजवादी पार्टी, वो बसपा, आज हालांकि वो अपर्णा यादव के साथ वहां जाकर गायों को चारा खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सारे विपक्षी मिलकर कोशिश करेंगे कि वो कोई भी कमजोर कड़ी को ढूंढकर योगी आदित्यनाथ पर हमला करना शुरू कर दें, क्योंकि भगवा वस्त्र में बैठा हुआ मुख्यमंत्री वो एक ऐसी छवि गढ़ने की कोशिश करेंगे जो डरावनी हो, और यही योगी आदित्यनाथ के लिए अवसर है कि वो साबित करें कि केवल भगवे वस्त्र पहन लेने से ही कोई उग्र विचारधारा का नहीं होता, वो संत हैं और संत के साथ साथ प्रशासन चलाना भी उनको आता है, यही उनको साबित भी करना है। जयदीप जी, योगी और मोदी का योग उत्तर प्रदेश और देश को किस दिशा में ले जाएगा? जी, लगातार ये बात हो रही है कि मोदी योगी का युग है, और निश्चित तौर पर ये जो संयोग बना है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी हैं, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से निश्चित तौर पर बहुत बड़ा राज्य है, जो देश की राजनीतिक जो पहचान है उसमें भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता आया है। तो बात ये की जा रही है कि मोदी योगी की, इनकी तुलना इसलिए हो रही है कि दोनों ही कड़े फैसले लेने के लिए जाने जा रहे हैं, दोनों ही ये बात कहते हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार नहीं है, भाई भतीजावाद इस देश की राजनीति का सबसे बड़ा नासूर रहा है, वो नहीं है। तो अगर कोई अपना परिवार साथ लेके नहीं चल रहा, किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि इस देश को अगर हम ठीक तरीके से आकलन करें और समीक्षा भी करते रहें, तो भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास देश को देने के लिए सब कुछ है, देश से लेने के लिए कुछ नहीं है, वो लेना नहीं चाहते, और वो ऐसे संघ की पीर हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की तकदीर बदले, और उनके पास जो कुछ भी है वो केवल देश को देने के लिए। हमने देखा है कि अपने स्वार्थ की खातिर आज हम जिस समाजवादी पार्टी की सरकार को बेदखल किया है उत्तर प्रदेश की आवाम ने, आप सोचकर देखिए कि कैसे यादवी कुनबा, कैसे पूरा इटावा से सैफई मैनपुरी का साम्राज्य वहां पर चलता था, और कैसे एक ही परिवार के लोग तमाम कुर्सियों पर विराजमान थे। वैसे में एक योगी आदित्यनाथ आते हैं जो कहते हैं मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं परिवारवाद नहीं चलाऊंगा, आप लोग भी मत करो, ठेकेदारी मत करो, तो लोगों को लगता है ये क्या हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की राजनीति बहुत लंबे समय से इसी तरह के नेता का इंतजार करती। ठीक वही बात मोदी ने कही थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है, उनका अपना कोई परिवार नहीं है, अपने रिश्तेदारों को लेकर वो कभी भी उनके रिश्तेदारों को उन्होंने ऐसी कोई मदद ना मुख्यमंत्री रहते पहुंचाइए ना प्रधानमंत्री रहते ऐसी कोई बात सामने आई, इसलिए दोनों की तुलना भी हो रही है। दोनों की तुलना होना इसलिए भी स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी में खुद ये चर्चा थी कि नरेंद्र मोदी जो इतना बड़ा नाम बन गए हैं, इतना बड़ा ब्रांड बन गए हैं, उनकी एक लहर है, एक आंधी है, और जिसने भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों पर थी उसको 283 पर पहुंचाया और अब राज्यों में भी सफलता दिलाई, उनके बाद कौन। तो बात यह भी चल पड़ी है कि शायद नरेंद्र मोदी के बाद उत्तराधिकारी के रूप में आदित्यनाथ योगी का नाम सामने आ सकता है, और आज 2024 के बाद की बातें होने लगी। वो इसलिए होने लगी है कि दोनों ही ऐसे फकीर के रूप में, ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आए हैं कि जिन्होंने केवल देश सेवा के लिए या जिस पद पर वो बैठे मुख्यमंत्री बैठे तो राज्य की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया, वो कह यही रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो भी किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, तो ये देश के लिए भी एक बहुत बड़ा मोहभंग होगा और बहुत बड़ा नुकसान भी होगा, क्योंकि भाई भतीजावाद ने अपनी झोली भरने के उपक्रम ने, अपनों को फायदा पहुंचाने ने इस देश की राजनीति को, इस देश के सामाजिक ताने बाने को, इस देश के पूरे विकास को रसातल में पहुंचा दिया है। ये जो ठेकेदारी और भाईचारा था, इसको अगर ये मोदी और योगी का युग समाप्त कर सकता है और वो एक नई तरह की राजनीतिक परिभाषा करता है, तो मैं इसको सकारात्मक रूप से देखता हूं कि देश के लिए शुभ संकेत है। यद्यपि हालांकि ये जल्दबाजी होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के अभी तक के कार्यकाल को देखते हुए उनको कितने नंबर देंगे आप? मुझे भी लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी और मैं निश्चित तौर पर अभी नंबर नहीं देना चाहूंगा। मैं केवल ये चाहूंगा कि जितनी बातें उन्होंने की है उन पर कितनी मजबूती से वो कायम रहते हैं। वो ट्विटर पर जैसे हमने देखा था कि सुरेश प्रभु अचानक मदद कर देते हैं, कभी मनोहर पर्रिकर, वैसे उन्होंने मदद कर दी। भीड़ में खड़े हैं तो कोई महिला अगर पीड़ित है उसको बुलाया, उसकी मदद कर दी। किसी ने उन तक संदेश पहुंचाया कि बरसों से मुकदमा लंबित था और न्याय नहीं मिल रहा था, पुलिस को।
ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन अगर इससे परे वो जा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर स्थिति है, और मैं कहना चाहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी और बसपा को सिरे से खारिज किया उत्तर प्रदेश की जनता ने, तो उसका एक बड़ा कारण है कि वहां के लोग तंग आ चुके हैं। वहां जो असुरक्षा की भावना है, महिलाएं असुरक्षित है, आम व्यक्ति असुरक्षित, महिलाओं की बात छोड़िए, किसको कब लूट लिया जाएगा, किसके घर पे कब धावा बोल दिया जाएगा, किसी के साथ कब छेड़खानी हो जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं था। उस उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ एक नई तरह की पहल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिलहाल हम केवल उस पर नजर रखना चाहेंगे बजाय कि उसको किसी तरह का नंबर देने के। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और चुनौतियों की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।